नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी कमाल की शाम में। स्वरोम इवेंट्स प्रस्तुत करते हैं वादा रहा सनम, जतन ललित, वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिक ड्यू दैट वी हैव इन आवर इंडस्ट्री, उनके गाने जो हैं हम आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। मेरा नाम गौरव है, मेरी आपसे अमूमन मुलाकात होती है हर रात 9 बजे, कल भी आज भी, पर ऑन FM बोले तो रेडियो सिटी 91.1। और मुझे बेहद खुशी है कि आज राधिका जी ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं स्टूडियो की दीवार लांघ कर यहाँ ऑडिटोर में पहुँच जाऊँ। जी जी जी, मैं आपको सच्ची बताऊँ, तालियाँ मिलती है ना रेडियो जॉकी को, एकदम इमोशनल हो जाता है यार, क्योंकि रेडियो में तो पता नहीं चलता ना। आप लोग रोज आया करिए प्लीज, यू आर वंडरफुल। ओके, सो पहले थोड़े से ग्राउंड रूल सेट कर लेते हैं। एक अच्छा रेडियो जॉकी जो करता है, मैं भी वही करने वाला हूँ, बातें कम गाने ज्यादा। इस पर भी ताली बजा रहे हैं। ये जो आपके दिल में मेरे लिए इज्जत है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा जान के। ऑलराइट, सो कुछ किस्सा गोई आपका साथ निभाएगी, कुछ बड़े कमाल के गाने आपकी तरफ आएंगे। और स्वरोम इवेंट्स राधिका मोहन जी इसे संचालित करती हैं, जो कि खुद एक क्लासिकल सिंगर हैं, और शी हैज बड़ा फैंटास्टिक ईयर फॉर गुड म्यूजिक। तो बड़े कमाल के अंदाज में ये गाने चुनती हैं, जो कि आज के प्लेलिस्ट में भी आपके सामने आएंगे। और साथ ही स्वरोम इवेंट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपकमिंग सिंगर्स के लिए भी बहुत सारे मौके रहते हैं, और वो सिंगर्स जो हैं फिर आगे जाकर और बड़ा कमाल का काम करते हैं। तो ये तो एक बहुत खुशी की बात है, और साथ ही वो लोग जिनकी वजह से आज की शाम मुकम्मल हो पाई है, पॉसिबल हो पाई है, मुमकिन हो पाई है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और वो हैं हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स त्रिधातु रियल्टी, त्रिधातु रियल्टी थैंक यू सो मच। और साथ ही हमारे जो दूसरे स्पॉन्सर्स हैं, दैट इज महिंद्रा फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एंड सपोर्टेड बाय विनय गठानी फाउंडेशन। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्य यहाँ पर होता है, उसके बारे में भी मैं बातें करूँगा। लेकिन अब ज़रा संगीत की तरफ रुख करते हैं पहले, ठीक है जी। मोहित जी, आपसे अनुरोध, अब आपके हवाले वतन साथी।
कौन सी फिल्म से था? दूसरा वाला गाना जब प्यार से। मैं ऐसे बट ऑब्वियस वाले ही पूछूंगा क्वेश्चन है, उसका जवाब आपको देना, राइट? ये गेम हम खेलेंगे। देखिए 90s अपने आप में कमाल का टाइम था, मतलब ये वो टाइम था, अभी भी लोग रात को सोने से पहले अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देते थे, लैंडलाइन पर ही आता था ना सब कुछ। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बोलते थे मोबाइल फोन चलेगा नहीं यार, कौन देगा 22 रुपये आउट गोइंग 18 रुपये इनका, बैठ चलेगा नहीं, अभी मोबाइल साइड में रख तो आप नहीं चल पाओगे उसके बगैर। सो दैट वॉज 90s। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि सब कुछ बदलने से पहले का सबसे अच्छा टाइम वॉज 90s, राइट? कितने लोग हैं यहाँ पे जो लोग 90s में स्कूल जा रहे थे? अच्छा आप भी जा रहे थे, हाँ। बाकी के लोग कहाँ थे मैं बताता हूँ कहाँ पे थे। और एक्चुअली एक डायलॉग सुनाता हूँ मैं आपको, मुझे बताना कि ये किस फिल्म से है। माँ वो आ गया, वो सामने आ गया, वो सामने आ गया, और सुबह लड़की का बाप बोलता है चलो अब हम इंडिया जाने की तैयारी करेंगे। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि तीसरी बार में आप मेरा सवाल समझ गए। ऑलराइट, सो दैट वाज डीडीएलजे, वो डीडीएलजे का डायलॉग था। अब एक काम करते हैं, एक गाना भी सुनते हैं, कुछ ऐसा ही एकदम धमाल गाना सुनते हैं, और गाएंगे आपके सामने। एक बड़ी कमाल की गायिका है, पेशे से इंजीनियर हैं, आवाज़ में परिपक्वता है, और मैं कहता हूँ ये धूम गायिका है, धूम है, जब भी आती है स्टेज पर ना धूम मचा देती हैं। सो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, यू आर अ प्रोफेशनल सिंगर आई नो दैट, बट इंजीनियरिंग की डिग्री थी आपके पास, मैं सब कुछ बताऊंगा यहाँ पर। और वो हैं प्रियंका मित्रा, जोरदार तालियों से अभिनंदन प्रियंका मित्रा जी का। प्रियंका जी आइए।
बहुत खूब प्रियंका जी, वाकई इतना अच्छा गाएंगे तो उसे सामने आना ही पड़ेगा, चाहे कहीं भी छिपाओ। अब अगर ऑडियंस पूरी तरह सेटल हो गई हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जरा बत्ती तो बुझा दो यार, लाइट ऑफ करके ज्यादा मजा आता है। व्हाट डू यू से? हाँ ओके, नो प्रॉब्लम राइट, विल डू दैट ऑल्सो मैम। अच्छा एक ना आपको किस्सा सुनाता हूँ। 90s में ना बहुत सारे स्टार्स, नए नए स्टार्स आ रहे थे, टाइम बदल रहा था, नया युग आ रहा था। जतिन ललित तो खैर आउट ऑफ, मतलब क्या कितनी बातें करें उनके बारे में, पूरा एरा जो है वो जतिन ललित का है, पूरा युग है वो जतिन ललित का। और उस टाइम पे क्या हुआ कि एक और लड़का स्टार बन रहा था और वो इसराइल में कहीं पे था, इसराइल का एयरपोर्ट टेल अवीव राइट, तो वहाँ पे था और वहाँ पे उसने देखा कि चंकी पांडे के पीछे लड़कियाँ चिल्ला रही हैं चंकी, और ये लड़का सोच रहा देखो यार एक्टर बनना चाहिए था, क्या लड़कियाँ दीवानी हैं इस लड़के को, ये लड़का सिंगर कहते देखो ये लड़कियाँ क्या दीवानी हैं। थोड़ी देर में उन लड़कियों ने इस लड़के को देखा, चंकी को छोड़ दिया, इसके ऊपर कूद पड़ी, इसका पूरा मुंह लिपस्टिक से लाल, ये अभी भी उसको याद करता है, ये क्या मोमेंट था इसके लिए, फैन मोमेंट। और ये लड़का पता कौन बना? एक टेलीविजन शो होस्ट करता था एक टाइम पे, सोनू निगम राइट। तो सोनू, ये सोनू निगम के साथ हुआ था। तो सोनू जी का एक गाया हुआ गाना है, मैं चाहता हूँ आया आपके सामने, और वो अरे रुको मैं बुलाऊंगा, बहुत बेताब है, इनको गाने ही गाना है। तो जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन, प्रणव देहरकर स्वागत। प्रणव जी प्लीज आइए स्टेज पर, जीवन एक संघर्ष है ना, तो संघर्ष का ही कोई गाना सुना दीजिए प्लीज। हम
थैंक यू प्रणव जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ऐसी आवाज मिले तो ना करने वाले भी हाँ कर देंगे। देखिए, ये मैंने देखा है, आपने भी ऑब्जर्व की होगी ये बात, कि 60s हो, 70s हो, 80s हो, 90s हो, हीरो जो है ना वो कुछ भी करता हो उसके लाइफ में, कोई भी प्रोफेशन हो उसका, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, ठग हो, चोर हो, कुछ भी करता हो, उसे कुछ और आता हो ना आता हो, उसे पियानो बजाना जरूर आता था, राइट। और कभी ना कभी महफिल में आके बोलता था, अरे विजय बाबू एक गाना हो जाए, और वो कहता नहीं ठाकुर साहब आज नहीं, वो हीरोइन साइड से बोलती थी सुना दीजिए ना, फिर वो सुनाना शुरू करता था, है ना। ऐसी शोक नजरों को मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ, राइट। और फिर वो होता था, अब तो खन्ना हो या खान हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबने पियानो बजाया, राइट। अभी क्या हो गया, अभी वो गिटार विटार आ गया, अब तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स गायब हो गए, खैर है ना, अब तो ऑटो ट्यून आ गया, खैर इंस्ट्रूमेंट्स की बात क्या करो। सो ऐसा ही हुआ हर फिल्म में, 90s में भी ये था, और 90s में एक फिल्म बन रही थी जिसे एक डायरेक्टर आया आनंद बख्शी साहब के पास, बख्शी साहब, और उनको नरेशन दिया पूरा कि ये मैं ऐसे ऐसे फिल्म बनाने वाला हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। जतन ललित बैठे हुए हैं वहाँ पे, जतन ललित वो डिसाइड कि इनको देना है म्यूजिक इस फिल्म का, और बख्शी साहब ने क्या कहा, जब लड़का चला गया, बख्शी साहब ने कहा कि अगर ये लड़का जो कह रहा है इसने पर्दे पे उतार दिया तो ये फिल्म कभी पिक्चर हॉल से उतरेगी ही नहीं, अगर इसने ऐसा कर दिया तो। पिक्चर उतरी नहीं है, कौन सी पिक्चर हो सकती है, मैं बोल रहा था ना 90s में, मैं तो स्कूल में था, आप लोग कहाँ थे मुझे अब मालूम पड़ा। ऑलराइट, सो आज की शाम की पहली एंट्री ले रहे हैं, बड़े कमाल के गायक हैं साहब, तकरीबन 1000 शोज, स्टेज शोज इन्होंने किए हैं, एंड ही हैज शेयर्ड स्टेज विद द लेजेंड्स लाइक एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब, अमोल पालेकर साहब, और आज ये हमारे बीच उपस्थित हैं, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन गोविंद कुरनूल जी का। गोविंद जी आइए स्टेज पर। लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा, हा रुक जाओ दिल दीवाने, पूछू तो मैं जरा, लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा, पास वो आए तो झुके में देखू जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछू तो मैं जरा, लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। दिल हम खड़े हैं, गुमसुम सी नजर उसकी है, मगर होठों पे शिकवे पड़े हैं, बात बन जाए तो मैं बात छेड़ू जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछू तो मैं जरा, लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा।
महफिल में हसी तू ही तो नहीं रुक तू किस लिए अकेली जिस पे यूं फिदा ये दिल हो गया वो तो है तेरी एक सहेली मान वो जाए तो बाहों में ले लो जरा रुक जा ओ दिल दीवाने पूछू तो मैं जरा अरे लड़की है या है जादू खुशबू है या नशा पास वो आए तो झुक में देखू जरा Thank you so much. यश चोपड़ा साहब कमाल है। आधे से ज्यादा इंडियन जो स्विट्जरलैंड जाते हैं वो यश चोपड़ा साहब की वजह से जाते हैं। उनके प्रोडक्शन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि सब लोग वहां जाते हैं। आप में से कोई गया स्विट्जरलैंड कभी? एनीवन? हाँ, आप गए सर? आपकी मुस्कुराहट से मालूम पड़ रहा मुझे। तो वहां पे आपको पिज्जा नहीं मिलेगा, वड़ा पाव मिल जाएगा, वहां पे समोसा पाव मिल जाएगा, स्वागतम लिखा हुआ है वहां पर। मैं सिर्फ शो ही नहीं करता हूं, मैं भी शो ऑफ करता हूं। ऑलराइट, सो डीडीएलजे से ये गाना अभी हमने सुना। और अभी एक और एक छोटा सा क्विज खेलते हैं। आप मुझे ऐसा बताया गया है कि जतन ललित इन्होंने पंचम दा के साथ गाना गाया था एज कोरस सिंगर्स, बच्चे थे उस वक्त। कौन सी फिल्म थी जिसमें इन्होंने गाना गाया था? यादों की बारात? ओके, आई डोंट थिंक सो। आग ले लग जा? नहीं, दैट वाज सुषमा श्रेष्ठ है ना, आग ले लग जा, तेरा मुझसे पहले गाना था कोई। ये तो बहुत छोटे थे, इनमें से कोई एक जो है ऑफ नोट भी गा रहा था, वो भी सुनाई देता उसमें। हीरोइन जया बहादुरी, हीरो जितेंद्र। ये हमने पहले ही क्लियर कर लिया ना, जब तक मैं 5 हिंट नहीं दूंगा तब तक जवाब दोगे नहीं ना। ऑलराइट, सो परिचय, यू आर राइट, परिचय था ना मोहित जी? आपको हाँ बोलना पड़ेगा क्योंकि मैंने बोल दिया। तो एक बड़ा कमाल के बड़े धमाल गायक जो हैं वो अभी स्टेज पर आ रहे हैं, उनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। इज अ फिनोमेना, अमेजिंग अमेजिंग। कौन हो सकते हैं वो? चलिए आलोक काटदारे साहब, आपका स्वागत करते हैं, आइए।
कलमा गई गई मेरी चाहत है अभी नई नई मेरे दिल में है अरमा गई गई मेरी चाहत है अभी नई नई रह जाए न प्यासा प्यार मेरा मेरी बाहों में भर दे यार मेरा इतना सा करम तू कर मुझ पर इतना सा करम तू कर मुझ पर ए रात जरा हम के गुजर रात जरा हम के गुजर मेरा चांद मुझे आया है नजर आपको चांद नजर आया हमने आपकी शर्ट देखी हमें तारे भी नजर आए बट इज अ फैंटास्टिक स्टाइल गिव इट अप फॉर आलोक जी इज एन अमेजिंग अमेजिंग सिंगर थैंक यू सो मच अरे सारे मोर आप ही के लिए हैं आज आपको मालूम तो है इतनी जोर से बोला मैं डर गया पेपर गिर गया मेरे ऑलराइट सो मैं क्या बोलने वाला था किस पिक्चर का गाना था मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी पिक्चर है मेरा चांद मुझे आया नजर बड़ा दिल आई एम नॉट श्योर छोटा दिल अभी बोलेंगे मीडियम मुझे याद नहीं आ रहा है तो ठीक है फिगर आउट करेंगे ओके अभी क्या करें बढ़िया वाला गाना लेते हैं ये 90s का हिसाब किताब है बहुत बढ़िया और ललित जी जतन ललित के ललित जी जो है ललित पंडित साहब उन्होंने राधिका मोहन जी को पर्सनली बेस्ट विशेस दी कि भाई आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि पूरा शो सारे गाने जो हैं वो जतन ललित के आप ले रहे हैं तो बहुत शुभकामनाएं पर्सनली उन्होंने राधिका जी को दी है एंड वी आर ग्रेटफुल टू ललित पंडित साहब कि आपने ऐसा एक जेस्चर दिखाया और जब हम 90s की तरफ बढ़ते हैं तो एक धमकी याद आती है मुझे एक ही धमकी मिलती थी 90s में नई धमकी आई थी केबल टीवी आ गया था माँ बाप क्या बोलते थे पढ़ाई करो नहीं तो केबल कटवा देंगे अभी कटवाओ केबल बच्चा पूरे पिक्चर हॉल लेके घूम रहा है मोबाइल में अब क्या करोगे बताओ और एक गाना ऐसा था जो हम सुनते हैं ना तो हमें हीरोइन का नाम ढूंढने में मुश्किल होती है आई थिंक हीरो तो फिर भी मिल जाता है
इनकी शुरू शुरू की फिल्म का गाना रहा जतन ललित का, बहुत बहुत बड़ा हिट हुआ ये गाना। मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, मैं चाहूंगा कि एक बड़ी कमाल की बड़ी धमाकेदार गायिका हैं, इनकी आवाज़ में जहां परिपक्वता है वहीं पे शरारत भी है और अलग एक रुमानियत है। सो देवियों सज्जनों, जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत गुल सक्सेना जी का। गुल जी प्लीज आइए। बहुत सारे टेलीविजन सीरियल्स के टाइटल सॉन्ग्स आपने गाए हैं, प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में आप धमाल कर रही हैं, और आज ये वाला गाना जो है आप हमारे सामने गाएंगी, और मैं ये चाहता हूँ कि ये डुएट हो, दो गान होना चाहिए, मैं यहाँ पे मौजूद ही हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कोई और सिंगर आने वाले। गोविंद जी आइए प्लीज आइए।
सब सहेंगे हम और हंसेंगे हम आ मेरी जिंदगी बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम आ मेरी जिंदगी बहुत खूब बोल जी गोविंद जी बहुत बहुत अच्छा लगा बहुत मजा आया और किस फिल्म से यारा दिलदारा हाँ अब आपकी प्रैक्टिस हो गई अच्छी वाली हाँ पहली बार में जवाब दे देते हैं देखिए क्या है कि गायकी लाइव हो या आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो गायकी एक बहुत बड़ी स्किल है ना आसान नहीं है गाना बड़ा कठिन है और मुझे बेहद खुशी होती है कि वो गायक जो प्रॉपर तामील लेते हैं ना इसकी तालीम लेते हैं इसकी प्रॉपर और फिर अपना करियर तामील करते हैं और एक ऐसी गायिका हमारे बीच मौजूद हैं जिन्होंने बचपन से ही संगीत सीखा परिवार में ही मिला इन्हें विरासत में लेकिन उसकी पढ़ाई की आगे जाकर एमए गोल्ड मेडलिस्ट हुई म्यूज़िक में और संगीत विशारद की उपाधि इन्हें मिली और हर तरह का गाना कोई भी जॉनर हो ये गाना बखूबी निभाती हैं गाती हैं और मुझे बेहद खुशी है कि वो आज यहाँ पर उपस्थित हैं तो देवियों सज्जनों जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन अनन्या बॉम्बे जी का अनन्या जी प्लीज़ आइए स्टेज पर मुझे याद है आप रेडियो सिटी के स्टूडियोज भी आई थी मैंने आपको इंटरव्यू भी किया था तो वो सौभाग्य भी मुझे मिला सो अनन्या जी अब आप यहाँ पर हैं फिर एक डुएट है फिर Thank you.
थैंक यू। बहुत खूब बनाना जी, बहुत खूब प्रणव साहब, मजा आ गया यार, है ना। ये है 90s का जादू, जतन ललित, ग्रेट जतन ललित। अभी एक बड़े कमाल के कलाकार आपके सामने आ रहे हैं और इनकी जो प्रतिभा है वो भी बड़ी अद्वितीय है, बहुत ही मुख्तलिफ है। और मैं चाहूँगा कि भाई ये स्टेज पर आएँ, पेशे से डॉक्टर हैं, ही इज़ अ डेंटिस्ट। और अच्छा, कोई पहचान गया? एक मिनट, आप सब घर से आए कि इलाज करा कर आए इनसे? हाँ, ऑल ऑफ यू हैव लवली स्माइल्स, बहुत अच्छी स्माइल है आप लोगों की। हाँ, लेकिन अभी मैं मंच पर जरा इनको इंट्रोड्यूस कर दूँ। प्लीज वेलकम डॉक्टर प्रशांत कंकारिया। डॉक्टर साहब आइए आइए। अच्छा, डॉक्टर साहब को भी बड़ी बेताबी है, मेरा नाम बोलने से पहले ही आ गया डॉक्टर साहब।
थैंक यू। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। नहीं मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। तो ये आप कब आपको एहसास हुआ कि आपके अंदर ये एक हुनर है? मैं तो मेरे क्लिनिक में मेरी एक आदत बनती मतलब है कि मैं जब भी ट्रीटमेंट पेशेंट को करता हूँ तो मैं विसल करता हूँ। ओके। तो एक बार ऐसे करते करते राधिका जी का भी दांत का काम करने का मौका मिला। जी जी जी। तो शी टोल्ड मी कि प्रशांत, व्हेनेवर आई हैव द शो यू हैव टू परफॉर्म। एंड आई डोंट नो वेदर आई एम एन अप्रोप्रिएट फिट फॉर दिस प्रोग्राम और नॉट, बट इट्स अ लवली प्रोग्राम। इतनी इतनी मजेदार सीटी तो हमने सुनी नहीं। शादी हो गई आपकी? कहाँ आपकी वाइफ कहाँ बैठी है? एक एक 35 साल का बच्चा है मेरा। 35 साल का बच्चा है, बच्चे में बाद में आते, पहले तो बीवी आई होगी ना। कहाँ वाइफ कहाँ आपकी? आप हैं, अच्छी ट्रेनिंग दी है आपने, सीटी बजा के बढ़ाया आपको इन्होंने। हाँ लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी दोस्ती बड़ी गहरी है, ये सिटी बजाते हैं, मैं रेडियो सिटी बजाता हूँ, है ना? तो हमारी दोस्ती बहुत गहरी है। थैंक यू। राइट, तो अभी एक काम ये करते हैं कि पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे मौजूद हमारे तमाम साजिंदे जो हैं, हमारे जो बैकिंग वोकल्स हैं, इन लोगों ने जतिन साहब, ललित साहब, सबके साथ काम किया, ओरिजिनल म्यूजिक में प्ले किया। संजीव जी, वायलिन सेक्शन, राइट, जोरदार तालियां भाई, ओरिजिनल इन्होंने काम किया है। और अब एक डायलॉग है, बताइए किस पिक्चर का हो सकता है। तुम आना से प्यार करते हो? ओ क्रेज, आना से। अच्छा अच्छा, पढ़े लिखे लोग यहीं बैठे हैं सर। हाँ लेट्स सी, कभी हाँ कभी ना है या नहीं है। आलोक जी, गोविंद जी आइए ना प्लीज। अच्छा अगर एक हीरो का नाम क्रेज है तो दूसरे हीरो का नाम क्या था? आपकी जोरदार तालियों का शुक्रिया। अरे मैं सवाल पूछ रहा था इनको। अच्छा हाँ, जवाब दिया नहीं इन्होंने अभी। अच्छा अच्छा, मैं जाऊंगा नहीं जब जवाब नहीं देंगे। अंदाज़ दिखला के सौ सौ तरह के जलवे लुटा के हुए, अंदाज़ दिखला के सौ सौ तरह के जलवे लुटाती हुई,
चिल्लाती हुई आप ही जा अब जाने जा दीवाना दिल दीवाना कब से करे है तेरा इंतजार कब आएगी मेरी जाने बाहर ये जितना मचलता है दिल रेशम का तेरा रुमाल दिल से लगा करके रखा है अब तक रेशम का तेरा रुमाल आगे कहूँ क्या जाने मन आ देख जा मेरा से करे है तेरा इंतजार कब आएगी मेरी जाने बहार के जितना ही रहता हूँ ये उतना ही मचलता है दिल थैंक यू
मुझे लगता है सबसे लंबे गानों में से गाना, आई थिंक इंट्रोडक्शन में आता है ना, फिल्म के शुरुआत में आता है, और सबसे अच्छी बात है कि इसका जो शुरुआत का म्यूजिक पीस है वो भी मोहित जी आप लोगों ने सब वो भी प्ले किया, इट्स फैंटास्टिक, मुझे बहुत पसंद आया ये गाना। और अभी क्या करते हैं, थोड़ा एक एक मैं कैसे बताऊं इनको, बहुत ही प्रतिभाशाली एक लड़की है यहाँ पर उपस्थित है, बहुत ही कमाल का हुनर है इनके पास, उस हुनर के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहूँगा कि वो आपके सामने ही जब परफॉर्म करेंगी अपना टैलेंट आपके सामने डिस्प्ले करेंगे तो अलग ही एक मजा आएगा। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन रूपाली सर्व जी का। रूपाली जी प्लीज आइए, इनको विरासत में जो है संगीत मिला है पिताजी के साथ, पिताजी ने तो फिल्म इंडस्ट्री में धमाल ही किया है और वो लेगेसी आप आगे लेके जा रही हैं और इसी तरह से आगे बढ़ती रहें ये दुआ ये तमन्ना। और एक बार फिर ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि मैं किसी लड़की के साथ अकेला खड़ा हूँ, इसलिए मुझे एक एक गायक को बुलाना ही पड़ेगा। प्रणव जी आ जाइए, मुझे जाना ही पड़ेगा। But
बहुत बढ़िया प्रणव जी, रूपाली जी कमाल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज आज सिटी का दिन है यार। हाँ पर ये आपके आपको कहाँ से ये हुनर, मैंने कहा विरासत में मिला, थोड़ा आप बताएं ना हमें आपको कैसे कैसे ट्रेनिंग हुई आपकी, क्या हुआ थोड़ा कुछ बताएं हमें। सो मेरे पापा नागेश सुरवे जी, उन्होंने ये जितने ओरिजिनल विसल्स है राइट उन्होंने बजाई। अरे वाह, सो इट इज मोर देन 1600 फिल्म्स। माय गुडनेस, यस। And so wonderful, huh? बेटी जो है उस लेगेसी को आगे लेके जा रही है, this again amazing, thank you so much. मैं तो कहता हूँ ये कहावत बदल लेनी चाहिए कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, पुत्री के पांव भी नजर आते हैं, संतान के पांव पालने में नजर आते हैं, ये कहना चाहिए। Give it up और रूपाली जी बहुत बढ़िया। हाँ भाई सिटी पे ही बजाएंगे once more, अब रेडियो सिटी पे बजाएंगे। All right, so, एक बड़ी कमाल की चीज है, मुझे लगता है कि ये आपके सामने जरूर आनी चाहिए। और राधिका मोहन जी ने बड़े दिल से बड़े हृदय से होल हार्टेडली ये लाइंस लिखी हैं, और जिनके लिए लिखी हैं वो भी आज समझ जाएंगे वो कौन है। पढ़ मैं रहा हूँ लेकिन विचार ख्याल शब्द सब राधिका जी के हैं, बस वो थ्री इडियट्स वाला सीन नहीं होना चाहिए, राइट? तो आई डू माई लेवल बेस्ट। ऑल राइट डियर फ्रेंड्स, आई एम हियर टू टॉक अबाउट अ रिमार्केबल मैन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन एंड हु इज मच लव्ड and respected across the music industry. A soft-spoken but multi-talented musician who always prefers to stay away from the limelight and allow his flute to do the talking, our own Mohit Shastri. As you would have seen, his ability to play the most complicated tunes effortlessly on his flute is matched equally by the ease with which he conducts and extracts the best performance from his team. Mohit ji started his musical journey very young, at the age of 12, by effortlessly playing a flute bought from a street vendor. He started learning music in earnest at 13 and trained under late Guru P.A. Paranjpe in Hindustani classical and learned Western music from Sri Rajesh Prabhu. In 2003, he joined the orchestra world and started with playing the keyboards. He soon moved to the flute when he saw the opportunity, as there were not many flautists then. Humble as he is, he says he has no idea of the number of shows that he has done, literally, as they say, countless. His entry into conducting was somewhere in 2013. There was a rehearsal in which the music conductor did not turn up due to some reasons, and Mohit ji stepped in, and the rest is history. Apart from conducting, he has also played for many famous film music directors such as Lalit Pandit ji and Viju Shah ji. He has, in addition, also composed for private albums as well. We can continue saying so much more about Mohit ji, but let us end by wishing him continued and great success in the coming years. May he always continue to enthrall us with his music and his conducting. On behalf of all of us, Mohit ji, please accept a humble token of appreciation from Swaroam Events and Entertainment. Aur wo humble jo token hai, wo main to nahi dunga. Mohan sahab aa rahe hain, Radhika Mohan ji please aaiye. Mohan Shastri ji please aap yahan par aaye. Waise 12 saal ki umar mein seekhna shuru kiya tha aapne. Zyada umar hui nahi hai bilkul, abhi waise teenager hi lagte hain aap. Ladies and gentlemen, Mohit Shastri. Truly amazing. Aha. I'll help you with this. Main Mohit ji, main ye guldasta le jaunga. Isme jo gift hai na, wo bhi main sambhal ke rakhunga. हाँ नहीं, यहाँ पे फ्लूट भी तो चाहिए ना हमें, और ये शॉल जो है बहुत खूबसूरत है, लाइए हमें, मैं अपने पे रखूँगा इसको, मेरी गाड़ी में बहुत जगह है। प्लीज़ मैम लाइट ये लेके जाइए ना, ये थोड़ा कॉस्टली है। ऑलराइट, ये बहुत कमाल का जश्न है फ्रॉम राधिका जी एंड मोहन साहब, हमारे बड़े कमाल के म्यूजिशियन मोहित शास्त्री साहब को आपने अभी फेलिसिटेट किया। अब एक काम करते हैं,
एक गाना लेते हैं जिसमें गुल सक्सेना जी एंड गोविंद जी आप आ जाइए, है ना। मैं एक काम करूँ, मैं दो गाने बैक टू बैक ले लूँ क्या, जो रेडियो की जुबान में बोलते हैं ना, दो गाने बैक टू बैक, ठीक है। तो आइए आप पहले आइए, फिर दूसरे सिंगर्स को हैं मंच पे आमंत्रित करते हैं, वहाँ से भेजता हूँ। मोहित जी थैंक यू फॉर द गिफ्ट। Oh,
और क्या, और क्या कहूँ मैं गोल जी, गोविंद जी बहुत बढ़िया। देखो क्या हुआ, एक बहुत बड़े स्टार ने ना एक नए लड़के को बोला, देख ऐसा है, मिला भी नहीं उससे वैसे, एक तरह से मैसेज दिया उसे कि देख बच्चे ऐसा है, हम करेंगे कभी साथ में काम, तू अच्छा है ठीक है, लेकिन हमें चंकी पांडे पसंद है, तो चंकी पांडे हमारी फिल्म में काम करेगा, तू काम नहीं करेगा। और इस लड़के ने क्या बदला लिया है भाई, गॉड पता है इस लड़के ने क्या किया, उस सुपरस्टार की बेटी से शादी कर ली इसने। कौन है ये लड़का? आपके सामान्य ज्ञान पर मुझे तालियां बजानी पड़ेंगी। बहुत बढ़िया, यू आर राइट भाई, अक्षय कुमार बहुत अच्छा। वाइफ कौन है? ट्विंकल, बस सुपरस्टार राजेश खन्ना, अक्षय कुमार एंड आशा जुल्का। इस स्टैंड को रहने दीजिए ना, ये भी बैठ के सुनना चाहता है भाई। तो आयशा जुल्का एंड अक्षय कुमार, कौन सा गाना हो सकता है? आप कंफ्यूज कर रहे हो मुझे यार। अनन्या जी प्लीज मेरी मदद करिए, अनन्या भौमिक जी प्लीज आप मंच पर आइए। और गोविंद जी आप गए क्यों थे? I'm not afraid to die.
सी उदासी तेरे चेहरे पे छाए, क्या बात है जो तेरी आँख भर आए, कैसी उदासी तेरे चेहरे पे छाए, क्या बात है जो तेरी आँख भर आए। देखो तो क्या नजारे हैं, तुम्हारी तरह प्यारे हैं, हंसो ना मेरे लिए तुम, सभी तो ये तुम्हारे हैं, ओ जाने जा हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा वादा रहा सनम, होके जुदा रहा, चाहे न चाहे जमाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा जी गोविंद जी, खिलाड़ी फिल्म का ही गाना निकला यार ये तो बिल्कुल। अभी क्या हुआ, एक बार ना एक बूढ़ी सी औरत जो है वो बर्तन मांझ रही थी, बर्तन साफ कर रही थी, और उसको दूर कहीं नजर आया कि कीचड़ में ना बुलबुले उठ रहे हैं। क्या बुलबुले उठ रहे हैं कीचड़ में, बर्तन मांझने में लगी। फिर गई थोड़ा पास जाके कि उसे एक बच्चे का सर नजर आया, हल्का ऊपर अंदर गया, यह भागी एकदम से, बच्चे को उठाया वहां से, और बच्चा एकदम नंग धड़ंग बिल्कुल बर्थडे सूट में, और उसको लेके भागी और पूछती है कि भाई किसका बच्चा है ये, इस बच्चे को मैंने बचाया, किसका बच्चा। बच्चा पूरा मिट्टी में, कीचड़ सब लगी हुई है उसके ऊपर, थोड़ा रो भी रहा है, थोड़ा चुप भी हो रहा है, और ये औरत ढूंढ रही है, अरे किसका बच्चा है भाई, किसका बच्चा है ये। फाइनली बच्चे की माँ आई, अरे आपने बचा लिया, बस बस लेके गए अंदर, बच्चे को नहलाया वहलाया ठीक से। बोला वो बच्चा आगे जाके कौन बना, हाउस वाले तो ऊपर वालों से पूछ लेते हैं कौन बना वो लड़का आगे जाकर। वन गेस, नाना पाटेकर ना कीचड़ से वैसे खुद आ जाते निकल के। ओके, यहां पर कौन, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मैं कोई प्राइज नहीं दूंगा, बताओ। एक और हिंट, छोड़ो यार, अरे ये वो आवाजें हैं जिन्होंने स्टार्स को सुपरस्टार बनाया है। शानुदा, कुमार शानू, कुमार शानू, शानुदा के साथ ये हुआ था। शानुदा अगले ताली बजाना, ठीक से बजा रहे, कंजूसी क्यों, उन्होंने गानों में कंजूसी नहीं की है। ऑलराइट, सो आइए प्रियंका मित्रा जी एंड आलोक काटदारे साहब आइए। दीदी लता जी का और शानुदा का गाया हुआ ये गाना है, और जहाँ तक मुझे याद आता है प्रियंका जी और मैं बैक साइड डिस्कस कर रहे थे कि दीदी ने कहा था कि ये उनका फेवरेट गाना है जो उन्होंने जतिन ललित के लिए गाया। इसकी हीरोइन जो है मुझे ऐसा लगता है कि ट्विंकल खन्ना है। हाँ चलो, हीरो पर सलमान खान ही होगा।
तन्हाई मदहोश दिल की धड़कन उसी ये तन्हाई छुप गया जान क्यों क्या तेरी जुल्फ लगलाई मदहोश दिल की धड़कन उसी तन्हाई बहुत बढ़िया प्रियंका जी. आलोक जी आप रुकेंगे जा रहे हैं लौट कर आएंगे. रुकना चाहेंगे क्या? ठीक है हाइट कम करके आइए ज़रा. देखिए क्या है कि मैंने शुरुआत में इस बात का जिक्र किया था कि इस बार होम इवेंट्स के साथ वो तमाम लोग जुड़े हुए हैं जो सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं और सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट करना बेहद ज़रूरी है. आप और मैं दोनों ही जानते हैं.
और एक ऐसी फाउंडेशन है विनय गठानी फाउंडेशन, जिन्होंने इस इवेंट को भी सपोर्ट किया है. और कोविड टाइम्स में बहुत ट्रैजिक टाइम्स वो रहे, बहुत कठिन वो समय था, लोगों की मदद तो की ही की, साथ में अपने पैसे से खुद से एक एक सिमेट्री जो है उसको भी ठीक करवाया, लाइट्स पानी हर चीज़ की व्यवस्था वहाँ पर करवाई. बहुत ट्रैजिक है लेकिन उस ट्रैजेडी में भी इस तरह का काम हो रहा था. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर विनय गठानी फाउंडेशन. विनय गठानी साहब, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. और आलोक जी प्लीज आइए स्टेज पर, और साथ ही गुल सक्सेना जी, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा. और मुझे इतना अच्छा लग रहा है आलोक जी आपको देखकर कि आप सिर्फ आलोक काटदारे नहीं लग रहे हैं, यू आर नॉट जस्ट ए के, यू आर आमिर खान और परफेक्शनिस्ट हैं आप. आपको गुल सक्सेना जी के साथ गाना गाना था, आपने अपनी हाइट कम कर ली. आमिर खान जो है वो नजर आना चाहिए. वो गाना भी ऐसा है कि आमिर खान और सोनाली बेंद्रे पे ये गाना पिक्चर है. ओके, फिल्म का नाम, फिल्म का नाम सरफरोश. आमिर खान छोटे, सोनाली बेंद्रे लंबे. हाँ लंबे. तो ये हम लोगों ने कॉम्बिनेशन किया है, बट आठ इंच का हिल हमने गुल को दिया है. इनको बनाया है, हिल पहन के आ जाओ. पहले हम सीढ़ी पे खड़ा करना होता था एक्चुअली. तो ये हाइट ठीक है, ये हाइट ठीक है ना? हाँ, ये लाइट भी ठीक है, लाइट भी ठीक है, कुछ भी चलो ठीक है. गुल जी आप लोग आइए फिर. हाँ मैं आता, रेडी हो जाइए, मजा आने वाला है. हाँ बालकनी वाले, हाँ सब लोग खामोश क्यों, मेरे को समझ में नहीं आ रहा. जोरदार तालियां होने चाहिए. हाँ क्या बात, लाइट लगाए गए ऑडियंस. चलो इस गाने में हम लोग लाइट ऑन करते हैं, ऑडियंस लाइट ऑन करते हैं. मुझको खबर है
तुझको पता है जो छाया धड़कन पे चाहत का नशा है, कि मुझको खबर है कि तुझको पता है जो छाया धड़कन पे चाहत का नशा है। One more. All right, बहुत सारे गाने जो आपकी तरफ आने हैं, मैं साथ ही साथ जिक्र करता जाऊं उन लोगों का जिनकी वजह से आज की ये शाम मुमकिन हो पाई है। और सर्वप्रथम मैं बात करना चाहूँगा उड़ान फाउंडेशन के बारे में, जो चार क्षेत्रों में, उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन जो है चार क्षेत्रों में काम करती है, फोर एरियाज विच आर एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, वेलफेयर एंड एनवायरमेंट। जो थाने एरिया के अंदर जो वल्नरेबल बच्चे हैं, औरतें हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उन तक ये मदद पहुंचाते हैं। और जब हेल्थ की बात होती है तो चाहे वो इम्यूनाइजेशन हो, अनेमिया डिटेक्शन हो, हेल्थ चेकअप्स हो, और एक काफ़ी डिटेल्ड काम ये कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ पाया हूं। और अभी साथ ही मैं अनुरोध करूंगा हमारे स्पॉन्सर्स से भी कि प्लीज़ वो स्टेज पर आएँ। और राधिका जी एंड राधिका मोहन जी, आप उनको फेलिसिटेट करें। Can we please have on stage Tridhatu Realty से Jyoti Gupta ji from Finance Department. Jyoti ji, can we please have you on stage? Jyoti ji, thank you so much. Radhika ji, साथ ही मैं अनुरोध करूंगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम से अनिता मारवा जी से कि प्लीज आप स्टेज पर आए, सीनियर लीगल एडवाइजर लीगल डिपार्टमेंट, अनिता मारवा जी, प्लीज अनिता जी आप आए स्टेज पर। अनिता जी प्लीज आइए। और मैं अनुरोध करूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा से संजय राणे जी, चीफ मैनेजर। संजय जी, कैन यू प्लीज हैव यू ऑन स्टेज। संजय, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस, मुझे आई लव बैंकर्स एनीवेज में। हाँ, आई एम डूइंग दैट ओनली, या आई विल डू दैट। उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन से डॉक्टर अनिल लुनिया। डॉक्टर अनिल लुनिया, कैन यू प्लीज हैव यू ऑन स्टेज। डॉक्टर साहब आइए। सर विनय गठानी फाउंडेशन से विनय गठानी साहब, विनय जी प्लीज आप मंच पर आए। विनय जी, अगर आप तो मेरी आवाज पहुंच रही है तो प्लीज आप स्टेज पर आए। अच्छा, आप बैक स्टेज से आ रहे हैं। दैट्स डॉक्टर अनिल लोनिया एंड नाउ मिस्टर विनय गठानी। होप फॉर इंडीज जी, बहुत जरूरत है इसकी हमें। होप फॉर इंडीज जो कि स्ट्रीट एनिमल्स को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं बरसों से, उनमें से हम चाहेंगे कि मिसेस नीता शेट्टी एंड उमा गठानी जी आप स्टेज पर आएं। और टाइटन आई प्लस से कोशी चेरियन साहब, कोशी साहब कैन यू प्लीज हैव यू ऑन स्टेज। थैंक यू उमा जी, थैंक यू नीता जी, नाउ कोशी जी। आइए
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अब मैं राधिका मोहन जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने जो लिखा था वो तो मैंने पढ़ दिया, आप चंद शब्द बोलेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे, मैं फिर गानों की तरफ चला जाऊंगा। I only want to thank all my friends and family who have come in big numbers to support this noble cause that we are doing, and I hope you all are enjoying the evening with lovely music. So if you all are enjoying, give us a big hand. Mahindra Finance, one of our chief sponsors, Mahindra Finance se is waqt yahan pe koi upasthit nahi hai, lekin hum unhe bhi तहे दिल से शुक्रिया अदा उनका करना चाहते हैं। और अब एक गाना लेते हैं यार। गोविंद जी, अनन्य भौमिक जी एंड प्रणव जी, आप आइए। Yeah.
ओके तो शुरू करते हैं उस फिल्म से जिस फिल्म ने इतिहास रच दिया। वो फिल्म है जिसमें फाइनली बाऊ जी ने बोला जा सिमरन जी ले अपने राइट सो। और उसके बाद क्या हुआ हमें मालूम नहीं है। ऐसा लगता है कि राज और सिमरन की शादी हो गई होगी, पर शादी वाली कहानियां हम लोग बताते नहीं हैं, क्योंकि दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक वो जो खुश और दूसरे जो शादीशुदा होते हैं, राइट। तो वो कहानी हम बताते नहीं है, राइट सर। आप इतना जो मुस्कुरा रहे हैं क्या गम है जो छुपा रहे हैं? अच्छा ऑलराइट, लेट्स हैव डॉक्टर प्रशांत। आइए सर। थैंक यू। आई एम रियली प्रिविलेज्ड टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ यॉल एंड माय डुएट पार्टनर इज मोहित जी सर, एंड आई एम रियली प्रिविलेज्ड। थैंक यू।
वाह वाह बढ़िया. मैं बस सोचता हूँ कभी कभी डॉक्टर साहब जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते होंगे तो सीटी बजा के लिखते होंगे, पेन से लिखते होंगे. हाँ और राइट. सो हुआ गया कि एक एक लड़का नौजवान के आसिफ साहब की फिल्म मुगले आजम में एक्टिंग करने के लिए गया. के आसिफ साहब ने कास्ट किया, एक दिन की शूटिंग हुई और फिर शायद आसिफ साहब को उस लड़के की एक्टिंग पसंद नहीं आई, उस लड़के को फिल्म से बाहर कर दिया. वो रोल बाद में अजीत साहब ने निभाया. वो लड़का तो नहीं बन पाया मुगले आजम का हिस्सा, लेकिन उस लड़के के बेटे ने बहुत बरसों के बाद बॉलीवुड में अपनी बादशाहत कायम कर ली. कौन है वो लड़का? शाहरुख खान. शाहरुख खान के फादर गए थे मुगले आजम में एक्टिंग करने के लिए, एक दिन के बाद बाहर कर दिया था. और अभी शाहरुख खान किसी को अंदर नहीं आने दे रहे हैं यार, लगे हुए. तो एक एक गाना आलोक जी आइए ना प्लीज. और रवायत यह है कि इंटरवल के बाद जब पहली एंट्री होती है किसी भी आर्टिस्ट की तो हम लोग तो जोरदार तालियां. काश के हम होश में अब आने न पाए, ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए. बस नगमे तेरे प्यार के आते ही जाए, ऐ काश के हम होश आने न पाए, ऐ काश के हम होश में आने न पाए. तेरे प्यार के गाते ही जा.
थैंक यू थैंक यू। वाह वाह आलोक जी, वहीं रहिए ना, कहाँ आज तक आपसे मैंने कुछ नहीं मांगा है। एक गाना और, एक गाना और है ना, एक गाना और। इसने मीठी आवाज में कौन बोल रहा है वंस मोर? अरे वाह वाह, इतनी इतना माधुर्य है आपकी आवाज में। ही ऑलवेज लुक्स सो नाइस मैम, ही इज लाइक दैट। हाँ, और जब मैं इनके साथ रहता हूँ तब खास तौर पे ये बोलने वाले थे ना। प्रियंका जी प्लीज आप भी आइए ना, आइए आइए। बड़े कमाल के गाने चल रहे हैं, किस्सा गोई भी आपके साथ निभाएगी, लेकिन पहले जरा गाने। मैंने वादा किया था बातें कम गाने ज्यादा। मैं
ही जादू जो मेरे दिल पे छाने लगा। दीवाने मेरे ये तो बता क्या किया तू, कौन सा दर्द होने लगा। ये क्या हुआ पहले न ऐसा होता था, मैं हूँ कहाँ मैं जानूंगा। ये क्या हुआ पहले न ऐसा होता था, मैं हूँ कहाँ मैं जानूंगा। कोई मुझे बहुत बहुत प्रियंका जी, आलोक जी बहुत बढ़िया। आलोक जी आज तक जिंदगी में आपसे एक ही चीज़ मांगी थी, एक गाना और, आज मैं दूसरी चीज़ मांग रहा हूँ, एक गाना और। ऑलराइट, सो अनन्या भौमिक जी प्लीज आइए मंच पर। कौन सा वाला गाना है ये? संजय लीला भंसाली की पिक्चर लग रही है मुझे, नाना पाटेकर एंड सीमा विश्वास एट देयर बेस्ट। सर पिक्चर खामोशी है, जो हुआ है वो बाहों के दरमियान हुआ है मुझे मालूम है, पर गाना बाहों के दरमियान है। कैसी बातें कर रहे हो आप लोग बाहों में दरमियान, आज मैं ऊपर, क्या हो रहा है आप लोगों को भाई? हाँ लेट्स सी कौन सा गाना है ये। खामोशी द म्यूजिकल, जतन ललित, मजरू साहब का लिखे हुए गाने सारे राइट, और आलोक साहब ने जो आज शर्ट पहनी है, इसकी जो डिजाइनर है अंजलि जी यहाँ बैठी हुई। अंजलि जी कहाँ हैं आप? अंजलि जी आप हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया। ये कुछ कुछ होता है कि शाहरुख खान के लिए कपड़े डिजाइन करती हैं, सलमान खान के लिए भी करती हैं कभी। हाँ बहुत बढ़िया, बैठिए बैठिए। आपके साथ कौन है? राहुल हैं आपके? आपके राहुल हैं? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा हुआ क्या कि एक लड़की जब उसका जन्म हुआ तो अमूमन होता है कि अब माँ बाप बड़े खुश होते हैं, माँ लेबर पेन से जाती है और बहुत तकलीफ, और उसके बाद बच्चा जो है वो आता है इस दुनिया में। तो माँ जो है बहुत थकी भी थी और बहुत खुश भी थी कि मेरा बेटी हुई है ना। लेकिन इस लड़की के नाना, उन्होंने दूर से ऐसे पूछा, क्या कौन क्या हुआ क्या हुआ? तो नर्स डॉक्टर ने बोला लड़की हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो नाना ने थोड़ा ऐसा करके इशारा कर दिया और इस लड़की की माँ को बहुत दुख हुआ। उसने कहा क्यों ऐसा करते हैं ये समाज, ऐसा क्यों है? मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी। और कोने में गई बच्ची को लेकर और उसको प्यार से उसके कान में कहा कि बेटा देखना, एक दिन तुम ही हम सबका नाम रोशन करो। और उस लड़की ने वो करके दिखाया। वो लड़की कौन है? कौन बोले यहाँ पे? आप बोले अच्छा अच्छा अच्छा, ये अनन्या जी के पति हैं। हाँ नहीं फूटा हुआ नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं भैया। पेपर फूट गया, आई डोंट नो मनीषा कोराला है या नहीं, बट आई थिंक यू आर राइट। तालियां बजाइए। और जब आप कौन बनेगा करोड़पति जाएंगे तो भाई साहब का फोन नंबर लेकर जाना, फोन अ फ्रेंड के लिए, प्रोवाइडेड ही हैज हिज फोन विद हिम, है ना फोन। ऑलराइट दैट्स मनीषा कोराला फॉर यू, गाना फ्रॉम खामोशी द म्यूजिकल। और काफी चिंतन शिविर के बाद आपके सामने ये गाना आने वाला है। सो ओवर टू आलोक जी एंड अनन्या जी।
आसमान नीचे आज मैं आगे जमाना है पीछे आज मैं ऊपर आसमान नीचे आज मैं आगे जमाना है पीछे इन्हीं को खुदा अब मैं क्या करूं सर के पलिया कदम से चलूं आज मैं ऊपर आसमान नीचे हे ला 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 लहरों पे चलूं सर के पलिया कदम से चलूं आज मैं ऊपर आसमान नीचे आज मैं आगे जमाना है पीछे आज मैं ऊपर आसमान नीचे आज मैं आगे जमाना है पीछे Thank you अनन्या जी आलोक जी आज से आपसे लाइफ में सिर्फ दो चीजें मांगी हैं आज मैं तीसरी चीज मांग रहा हूं एक गाना और प्लीज भाई हो तो आलोक भाई जैसा लिस्ट में भी नहीं है कुछ नहीं है लेकिन फिर भी ही लव्स अस लाइक एनीथिंग एंड वी आल्सो लव हिम आपके मुंह से मेरे लिए कोई प्रेम वाले शब्द निकलते नहीं है ना ये भाई भी अच्छा है इसके कुछ कोई बात हाँ दोस्तों आज के इस महफिल का ये जो गीत मैं आपके सामने गा रहा हूँ मेरा वादा है जब ये गीत शुरू होगा आपको वो दिन आ जाएंगे याद आ जाएंगे क्योंकि इस गीत में ऐसी एक सच्चाई ऐसे गहराई है जो शायद किसी गीत में नहीं है इस गीत को आप ज़रूर अपने दिल के कानों से सुनोगे मेरा वादा है थैंक यू सो मच जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे बात आकर जुबा तक रुकने लगे इकरार होने लगे बोल दो गर तुम्हें प्यार होने लगे लगे
रात आकर सुबह तक रुकने लगे, आँखों आँखों में इकरार होने लगे, बोल तो कर तुम्हें प्यार होने लगे जब लगे दिल की सीखी खुशी, दिल लगी ये नहीं ये है दिल की लगी, आंधियों को दबाने से क्या फायदा, प्यार दिल में छुपाने से क्या फायदा, जहाँ से प्यारा जब दिलदार होने लगे, बोल तो अगर तुम्हें प्यार होने लगे जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, बात आकर सुबह तक रुकने लगे, इकरार होने लगे, बोल तो कर तुम्हें प्यार होने लगे अपनी सांसों में हो, उसका सपना अगर अपनी आंखों में हो, जब न दिल के बहने की सूरत लगे, जब कोई जिंदगी की जरूरत लगे, और जीना भी दुश्वार होने लगे, बोल तो अगर तुम्हें प्यार होने लगे जब किसी की तरफ झुकने लगे, बात आकर सुबह तक रुकने लगे, होने लगे, बोल तो कर तुम्हें प्यार होने लगे प्यार होने लगे। हेलो जी, अभी तक मैंने आपसे सिर्फ चार चीजें मांगी है, तीन चीजें मांगी, पांचवी एक और चीज मांग लूं क्या? एक गाना और प्लीज प्लीज यार। चलो गौरव को मैं ना नहीं बोल सकता अब। एग्जैक्टली आप बोल रहे थे वंस मोर, देखो भाई को बैक टू बैक लगा दिया हमने एकदम, ऐसा लग रहा है कि मेरा सेकंड शो भी मेरे को जाने का है। ऐसा हुआ है कई बार हमारे साथ, कई बार एक्चुअली ये बैक स्टेज वाली बातें हैं, कई बार आर्टिस्ट के साथ होता है ऐसा
कि दूसरे शो में भी जाना है, तो आलोक जी को तो तीसरे शो में भी जाना होता है, तो चार गाने खत्म करे फिर चार गाने, लेकिन मैं ऐसा हीरो हूं, मैं एक शो पकड़ता हूं तो एक शो के साथ। प्रियंका जी यहां पर हैं, रूपाली जी यहां पर हैं, आलोक जी यहां पर हैं, और जब ये तीनों इकट्ठे होते हैं मेरे साथ, उसका एक ही मतलब होता है, ये तीनों गाएंगे और मैं यहां से जाऊंगा। Thank you.
जागे न सोता है होता है। थैंक यू आलोक जी, आपके टैलेंट को देखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको ब्रेक देता हूँ। अच्छा वाह, अच्छा हो गया। प्रियंका जी आप ठहरिए यहाँ, मुझे ऐसे लगने लगे मेरा सोलो शो हो रहा है। नहीं नहीं, होना भी चाहिए, जरूर। प्रियंका जी यहाँ पर है, गोविंद जी प्लीज आप भी आइए। गोविंद जी है ना, आइए आइए गोविंद जी, कम कम एक एक रिक्वेस्ट है, किसी को पता नहीं चल रही है। डू वी हैव मेडलीज? मेडलीज हैं, मेडलीज हैं, मतलब एकदम हंगामा वाली मेडलीज हैं, मतलब चार गाने बैक टू बैक वाली मेडलीज हैं जतिन ललित की। हाँ। है क्या? ओके ठीक है, आपने सुना तो नहीं ना, वो धमाकेदार मेडलीज आपकी तरफ आएंगी। बट बिफोर दैट एक बहुत ही कमाल का ये गाना है। आई थिंक इस फिल्म में ये फिल्म डिब्बे में बंद हो गई थी ये फिल्म। पहले मिलिन सोमन इसमें काम कर रहे थे, ही लेफ्ट, फिर अक्षय कुमार को ऑडिशन किया, नहीं हुई बात जमी। And then finally, दीपक तिजोरी entered. And I think 90s की कोई भी फिल्म ले, कोई भी हीरो जो दोस्त है ना, वो दीपक तिजोरी है, राइट? कमाल के कमाल का काम किया, और इस फिल्म में खास तौर पर आई थिंक ही प्लेड द रोल ऑफ शेखर। कौन सी फिल्म हो सकती है? अच्छा ओके, राइट राइट सर, सुन लिया मैंने। और साधना सरगम जी एंड उदित नारायण साहब ने गाए हैं, मजरू साहब ने ये गाना लिखा है, और म्यूजिक किसका होगा बताओ, चलो गेस करो। लोग जवाब भी दे रहे हैं, वेरी गुड। ओड प्रियंका जी एंड गोविंद जी प्लीज। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, चरणों में क्या अपना है, दिले बेकार मेरे दिले बेकार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, फिरूं इन हवाओं में कहीं,
सोचिए कैसे कैसे किस्मत बदलती है, कैसे कैसे एक पारखी जो है बड़े टैलेंटेड इंसान को पहचान लेता है। एक बहुत बड़े राइटर, बड़े अजीम शायर, ये पहुंचे एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के घर पे, ऑफिस में पहुंचे, मीटिंग थी, तो बात बात कर रहे थे, तो कोने में ना, एक कोने में एक लड़का बैठा हुआ था, बिल्कुल पतला दुबला सा, बिल्कुल साइड में बैठा हुआ है, कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा था वो मीटिंग में। तो इस राइटर साहब ने कहा कि ये लड़का कौन है, तो प्रोड्यूसर साहब ने कहा ये अभी हमारा प्रोडक्शन संभालता है, प्रोडक्शन कंट्रोलर है, असिस्टेंट वगैरह है हमारा, अभी ये कर रहा है। तो उस राइटर ने कहा कि अरे इसे तो हीरो बनना चाहिए। तो प्रोड्यूसर साहब ने कहा हाँ सोच तो रहे हैं, कहते परफेक्ट है, ये स्टार बनेगा आगे जाके, देख लेना। और वही हुआ, वो राइटर जावेद अख्तर, वो लड़का दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन
क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। सेना जी एंड आलोक जी, मैंने आप दोनों से एक साथ कभी कोई चीज नहीं मांगी है, आज मांग रहा हूं एक गाना, एक डुएट। सुन लिया क्या मैंने क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, शी इज अ वंडरफुल गर्ल, वंडरफुल गर्ल शी इज। ऑलराइट, सो एक डायलॉग है इस फिल्म में, वो पूछता है डॉन की पहले कौन सा क्लब में तुम लोगों ने गाया है, तो हीरो बोलता है एंटर द ड्रैगन क्लब। अरे वाह 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 सर, ये मुझे मालूम नहीं था पीएचडी करके भी बैठे मेरे लोग यहाँ पे। हाँ कभी यहाँ कभी ना, राइट, एक कभी ना का गाना लेंगे। हाँ प्लीज, अब जो भी गाना है उस हटा दो, जो अभी हमारा बात हो गया वो गाना कोई गाना। और मोहित जी फिर वी नीड मेडलीज, हाँ इसके बाद धमाका एकदम मजा आ जाएगा। Thank you.
वो टाइम आ रहा है जब हंगामा और जबरदस्त तरीके से आपके सामने आएगा। तैयार हैं आप? आपकी तालियों का साथ भी चाहिए होगा उसमें। अभी तो आप बजा ही रहे हैं, बट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑल्सो, राइट? तैयार है ना? गुड। दोस्तों इसे क्या हुआ, क्या हुआ इसे, क्या हुआ दोस्तों इसे, क्या हुआ? इसका तो बज गया बाजा। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ। ये गया यारो इसको लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ। सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, मैं गया यारो मुझको लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ।
बाजी को जीतना उसे आता है। खेल के मैदान में जिस दिन हम झूमते धरती डोलने की ये कदम चूमते जो सब करते हैं यारों वो क्यों हम करे, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे, घर वाले से टीचर से गला क्यों हम डरे, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रखे सबको अपनी जेब के अंदर, नहीं समझे है वो हमें साथी है फिर भी निकल पड़ा हूं इस घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है। ओ ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए हासिल की नाना, ओ ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए जिंदगी में आना सनम। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। है मेरी बेखुदी ये कसम मैंने ली, प्यार में एक दिन मेरी चाह तुझे पाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। ओ ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। ओ ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सना।
नारे नारे ना सा घूम लूं मैं अरे नारे नारे ना आ तुझे चूम लूं मैं अरे नारे बाबा ना मैं चली बंदे हवा रब्बा मेरे मैनु बचा अरे नारे नारे ना सरस घूम लूं मैं अरे नारे नारे ना तुझे चूम लूं मैं अरे नारे बाबा ना मैं चली बंदे हवा रब्बा मेरे मैनु बचा सजा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना लेने तुझे अगोरी आएंगे तेरे सजना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना ओ हो रखना दामन बचा के रखना नजरें झुका के रखना
दामन बचा के रखना, लेने तुझे अगोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, Shabbat, Shabbat.